परफेक्ट डेली ड्राइवर सेटअप विथ म्यूआई आई मिक्स इन रेडमी के ट्वेंटी प्रो तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में रेडमी के ट्वेंटी प्रो जिसके अंदर में भी डेला है म्यूआई आई मिक्स का लेटेस्ट वर्जन है ट्वेंटी टेन ट्वेंटी नाइन वाला बेटा और आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक परफेक्ट सेटअप का किस तरीके से आपको एज अ डेली ड्राइवर के लिए जो म्यू आई लवर है उनके लिए कैसा सेटअप होना चाहिए ठीक है तो आज के इस वीडियो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो मैं शिवानशु सुरेश टेक्सवीडियो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ये जो है सो एक पूरा डिटेल रिव्यू नहीं होगा रोम का बेसिकली यहाँ पे हम परफेक्ट सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं हाँ बेसिकली लास्ट में हम जो सो गेमिंग मोड के ऊपर में थोड़ा सा कंसिड्रेशन करने वाले हैं और इसके लिए हम जो सो टेन का हम ऑलरेडी यहाँ पे एक यू बिल्ड का रिव्यू कर चुके हैं तो अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो दोस्तों वो वीडियो आप देख सकते हैं ठीक है तो चलिए अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके थीम से तो दोस्तों परफेक्ट सेटअप के लिए आपको जो है सो एक ऐसा थीम चूज करना है जो कि आपके हर कंसिड्रेशन में काम आए काफ़ी अच्छा भी लगे और बढ़िया भी रहे ठीक है तो चलिए यहाँ पे मेरे पास में दो थीम है एक तो ये प्रो नाम से है दूसरा जो सो क्लासिक थीम है दोस्तों देखो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा झोल झाल नहीं करता हूँ सिंपल सा आपको मैं सिंपल दिखाता हूँ ये देखिए ये थीम है यहाँ पे प्रो नेम से ये देख सकते हैं चाइनीज वाला थीम ही है लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आया बेसिकली मैं बताता हूँ क्यों ये जो लाइट मोड में मुझे थीम काफ़ी पसंद है क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से दिख रहा है कोई इशू नहीं है जो वॉलपेपर है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव है और आइकन्स वगैरह काफ़ी अच्छा है देखने में आप जाएंगे देखिए तो सेटिंग हो गया गैलरी हो गया एनालॉग क्लॉक है और आपको जो सो यहाँ पर सेवन डेज आगे तक का मतलब कि दो चार पाँच दिन आगे तक का आपको वेदर भी दिखाता रहता है ये काफ़ी अच्छा लगता है और देखो होम स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा जगह स्पेस खाली रखता हूँ राइट साइड में क्योंकि मैं राइट हैंड यूज़र हूँ अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़र है तो वहाँ पर भी स्पेस रख सकते हैं ताकि मैं डबल टैप टू स्लीप इसको कर सकूँ ठीक है यहाँ पर आपको ऑलिजन डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता अमेजिंग है और आप देख फिंगरप्रिंट के लिए भी आपको जो अलग डिफ्रेंस है आपको यहाँ पे मिल जाता है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस थीम का लेकिन दोस्तों इस थीम का एक डाउन साइड भी है वो है यहाँ पे डार्क मोड अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए डार्क मोड करने के बाद में आपको यहाँ पे वालपेपर हल्की सी डार्क हो गई है बाकी कोई ज़्यादा यहाँ पे चेंजेज नहीं आए कलर्स वगैरह में हाँ इंटरनली यहाँ पे डार्क मोड यूज हो रहा है क्योंकि ये जो ग्लोबल डार्क मोड आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग के अंदर में पूरा का पूरा डार्क मोड है अगर आप मैसेजिंग के अंदर में आएंगे तो वहाँ पे आपको डार्क मोड पूरा दिख जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको डार्क मोड में मिलेगा लेकिन यहाँ पे ओवरऑल डार्क मोड मुझे उतना अच्छा नहीं लगता ठीक है और दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा जो मुझे थीम पसंद है रियलिटी रिय बताऊँ तो यहाँ पे क्लासिक वाला थीम जो एम आई यू का डिफ़ॉल्ट दि थीम है उसके अंदर में मुझे जो पसंद है वो लेटेस्ट सैटर्न वाला जो हमारा और लाइव वॉलपेपर है सुपर वॉलपेपर उसके साथ में तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये रहा हमारे पास में सुपर वॉलपेपर जिसके अंदर में हम जो सो फ्लाइंग जो भी इसका नाम है इसको हम अप्लाई करते हैं और ये मुझे काफ़ी पसंद है रियलिटी बता दो तो, इसमें कोई ज़्यादा झमेला नहीं है आपको सिंपली इस थीम को यूज़ करना है कोई इशू नहीं आने वाला मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस रखता हूँ ताकि डबल टैप टू तो स्लिप कर सकूँ इसके लिए आई मीन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ठीक है तो दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ है वो है यहाँ पर कैमरा तो दोस्तों परफेक्ट सेटअप के लिए आपके पास में कैमरे भी ऐसा होना चाहिए कि आपके हर एक सिचुएशन में बढ़िया से बढ़िया आप जो सो इमेज कैप्चर कर सको तो इसके लिए मैं यहाँ पे बेसिकली पहले तो गूगल कैम में यहाँ पे मैं तीन गूगल कैम यूज कर रहा हूँ ठीक है मैं आपको तीनों के बारे में बताने वाला हूँ कोई इशू नहीं है यहाँ पे मैं एम आई या का भी कैमरा यूज कर रहा हूँ विथ मोड अब देखो मोड के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है डिटेल आप वो देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों एम आई आई के अंदर में आपको यहाँ पे काफी सारे चीज़ें मिल जाते हैं मोड यूज करने के बाद में तो देखो ये सारे का अलग अलग सैनैरियों में यूज हो जाता है जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा मेन बता देता हूँ देखो आ, जो ए मोड है कभी कभी जैसे कि आपको कभी स्टेटस डालना होता है इंस्टाग्राम कहीं पर भी किस लोकेशन पर जा रहे हैं यहाँ किस चीज़ की फ़ोटो खींच रहे हैं तो वहाँ पर ए आई वाटर माँ काफ़ी काम आ जाता है जैसे कि अभी ये डेट हो तो डेट को हटा करके मैं यहाँ पे कुछ और भी यूज कर सकता हूं जैसे वाटरमार्क में डेट हो गया इंजॉय ये सभी चीजें ये मुझे काफी अच्छा लगता है रियलिटी बताओ तो ठीक है ये कभी कभी सिनेरियो में काम आ जाता है जैसे कि अगर आप कहीं पर गए हैं और उस टाइम पर आपको जो वहां पर ज्यादा एडिट करने का टाइम नहीं है आपको जस्ट आ, श्ट, एक स्टेटस डालना है तो इस वजह से मुझे ए आई वाटरमार्क काम आ जाता है फ्रंट एंड बैक वीडियो छोटा सा स्मॉल स्टेटस डालना है पंद्रह सेकेंड वाला और आप कहीं मार्केट वगैरह में गए तो वहां पर जो फ्रंट एंड बैक कैमरा ओपन करके फटाक से वहां पर डाल सकते हो व्लॉग मोड भी वही स्टेटस के लिए मैं यहाँ पे ज्यादातर यूज करता तो इसको वर्टिकल यूज करके और इंस्टाग्राम में उसको टिल्ट कर देता हूँ ठीक है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ हो जाता है ओके इसके अलावा दोस्तों ई एम आई का एक और यूज होता है मेरे पास में वीडियो के अंदर में दोस्तों ये जो सो वाइड एंगल लेंस में ई आई बहुत अच्छे से स्मूथ चलता है तो अगर आपको एक लंबा सा एक टाइम लैप्स जैसा बनाना है वीडियो तो उस कंडीशन में मैं इसको यूज कर लेता हूँ प्रो मोड के अंदर में मैं अक्सर कैमरा में यूज़ करता हूँ वो है रॉ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉ का इमेज आपको मिल जाता है तो रॉ में हम जो सो इमेज क्लिक करते हैं ताकि इसको लाइट में अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिट कर पाऊँ ठीक है तो दोस्तों ये है हमारा एम कैमरे का यूज देखो क्लोन मोड सुपर ये हो गया ये और लॉन्ग एक्सपोजर ये सारे कोई काम का मुझे ऐसा आता नहीं है हाँ एक चीज़ और आता है वो है यहाँ पर दोस्तों कैलाइडोस्कोप कैलाइडोस्कोप के अंदर में भी कई बार आपको जैसे स्टेटस डालना है अगर पंद्रह सेकंड का तो काफी मजेदार यहां पे स्टेटस के लिए वीडियोज वगैरह बन जाते हैं तो कैमरा डिपार्टमेंट में एमआईआई का कैमरा भी काफी तोड़ है आप इसको यूज कर सकते हैं अब आते या हैं यहाँ पे गूगल कैमरा देखो जहाँ पे मुझे डिटेल ज़्यादा चाहिए एक अच्छी सी जगह पे गया हूँ वहाँ पे अगर मुझे डिटेल ज़्यादा चाहिए तो दोस्तों उस कंडीशन में मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ गूगल कैम देख सकते हैं यहाँ पे डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आती है गूगल कैम का ये जो है गूगल कैम का निकिता वाला वर्जन है अब देखो इस गूगल कैम को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ परफेक्टली है ये फ्रंट कैमरे वीडियो के अंदर में आपको ई दे देता है काफ़ी अच्छा खासा ई है ठीक है और इमेज कैप्चरिंग में आपको यहाँ पे जो एक्स फाइल भी मिल जाता है एंड निकिता जी कैम का तो वो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर इमेज आ जाता है इसके अलावा हमारे पास में एक ये भी कैमरा है जो कि है मैं अभी अर्नव वाला नहीं नहीं ब्यूरियल वाला नाइन वाला वर्जन है अब इसके अंदर में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कई लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि वाइड एंगल में आपको वीडियो कैपेबिलिटी है ये वीडियो कैपेबिलिटी है लेकिन उसके लिए आपको अल्ट्रा रिजोल्यूशन फोर एक्टिवेट करना होगा और फोर के टाइम लेप्स ही देन उसके बाद में आप जब अल्ट्रा वाइड पर रहेंगे एंड देन वीडियो में जाएंगे तो आपको वीडियो भी यहाँ पर वर्क कर रहा है लेकिन विदाउट ई जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ई काम नहीं करता है मैंने मेन पहले बता रहा हूँ मेन सेंसर के अंदर में आपको ई काम करता हुआ मिल जाएगा चाहे आपको थर्टी एफ हो या फिर आपका सिक्सटी है सिक्सटी में थोड़ा सा होता है थर्टी में काफी अच्छे से काम करता है टेली क्रैश कर जाता है बाकी अदर जितने भी हमारे पास में के अंदर में में मेन लेंस में ही बस वीडियो कैमरा काम करता है और किसी के अंदर नहीं ठीक है और हालांकि अगर मैं बात करता हूं फ्रंट कैमरा का तो दोस्तों भी आपको कैमरास आएगा उतना ज्यादा मजेदार यहां पर फ्रंट कैमरे के मामले में जो वीडियो है वो है एमआईआई के अंदर में ही ठीक है और दूसरा यही हमारे पास में कैमरा इसको मैं हटाई दे रहा हूँ बेकार में ये हमारा तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग का जो कि डेली यूज में काफी इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले यहां पे मैं आपको नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर मैं बताऊंगा यहां पर देखो सबसे पहली बात है कि जो हमारा डेटा यूज है अगर आप सिम का डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये रखना है कि कितना आपका डेटा यूज हुआ है आज वो दिखाएगा नहीं तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि कितना देर हमने फ़ोन यूज किया है क्योंकि ये आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि हमने फोन अपना ज़्यादा यूज तो नहीं किया कम यूज तो नहीं किया इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादातर यहाँ पे यूज कितना रखता हूँ वो रखता हूँ नहीं तो स्टेप्स वाला बहुत रेयरली रखता हूँ क्योंकि स्टेप्स वाला जो है आपको यहाँ पे वॉल्ट के अंदर में भी दिख जाता है देखने को यहाँ पर देख सकते हैं कितने स्टेप्स आपने किए हैं इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है जैसे कि आप ये देख सकते हैं और इसके अलावा एक दो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको जो लोकेशन को ऑफ रखना चाहिए ज़्यादातर और ये हमारे पास में फ्लोटिंग विंडो सभी चीज़ें हो गया ओके डन अभी आता है सेटिंग के अंदर में यहाँ पे दोस्तों वेयर इज़ दैट सेटिंग या तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद मैं एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले ऑरिजिनल डिस्प्ले आप एक्टिवेट आई मीन एक्टिवेट रख सकते हो और यहाँ पे जो स्टाइल है मैं नॉर्मली रखता हूँ हालांकि आप जो सो यहाँ पे कोई अदर स्टाइल भी चूज कर सकते हो मेरे को जो दो तीन स्टाइल यहाँ पे काफ़ी पसंद है मैं आपको दिखाता हूँ एक तो कहाँ गया या इधर वाला ये वाला जो इसका काफ़ी अच्छे से एनिमेशन बनता रहता है का जब भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये जो डार्क स्क्रीन में आपको जो ब्राइट ऐसे करके दिखेगा तो इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो हालांकि मैं जो, जो यहाँ पे डिफॉल्ट वाला यूज कर रहा हूँ जो अभी मैंने थीम चेंज किया था इसके अलावा नोटिफिकेशन सेट्स के अंदर में दोस्तों देखो ये सभी चीज़ें रखने की जरूरत नहीं है मेरे को ज़्यादातर पसंद नहीं है क्योंकि इसके वजह से आपको पूरा का पूरा लाइटिंग हो जाता है और बैटरी भी थोड़ा ज़्यादा जाता है इससे अच्छा आप ये यूज़ कर सकते हो लाइट अप द स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर में जो नोटिफिकेशन होगा वो जस्ट लाइट अप हो जाएगा लेकिन इसको नहीं भी रखो तो भी ओके है स्लीप जो है सो so आपको वन मिनट या फिर थर्टी सेकेंड इस दोनों में से चूज करना है ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है राइट टू वेक ना रखो बेहतरीन रहेगा डबल टैप टू वेक रख सकते हो या फिर टर्न ऑफ द स्क्रीन ये आप रख सकते हो ठीक है ये हमारे फ़ोन के अंदर में दोस्तों पॉकेट मोड कैमरा काफ़ी बार इशू आपको कर सकता है इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम पे बंद रखता हूँ और लॉन्च कैमरा भी ये बंद ही रखता हूँ इसका कोई काम नहीं होता है आपको अगर यूज है तो दोस्तों आप रख सकते हो हालांकि इसके हम पावर बटन को भी डबल टैप टू पावर बटन में भी कैमरा वाला यूज़ कर सकते हो जो हमारे पास में डिफ़ॉल्ट मिलता है ठीक है इसके अलावा आप आइए नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में दोस्तों आपको नोटिफिकेशन सेड के अंदर में इसको एम आई यूज कर लेना है एम आई करोगे आपको बेहतरीन रहेगा जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा वो एम यू आई के जैसे में आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ से आप डायरेक्टली रिप्लाई और मार्क्स और फोल्ड कर सकते हो ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी पसंद है क्योंकि जो हमारे जनरली जो एंड्रॉड वाले सेटिंग मिलता है यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट के अंदर में एंड्रॉयड वाला ये उतने अच्छे से एम आई के अंदर में काम नहीं करता है इसलिए मैं यहाँ पे एम आई रखता हूँ कंट्रोल सेंटर तो दोस्तों आपको पता ही है नया वाला वर्जन आपको कंट्रोल सेंटर रखना है बाकी ओवरऑल आप स्टेटस बार के ऊपर में यहाँ पे जो स्पीड है कनेक्शन स्पीड वो रख लीजिए ताकि इससे पता चलता रहे आपका इंटरनेट कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है ठीक है और बाकी हमारे पास में जो एडिशनल सेटिंग है ये सभी चीज़ें दोस्तों और अगर आप यू बी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर में आप एक चीज़ और कर लीजिए एक्टिवेट वह यहाँ पे पावर मेनू एक्सटेंशन इसके लिए आपको एम को काफ़ी टाइम क्लिक करना है तीन चार बार कीजिएगा डेवलपर मोड एक्टिवेट हो जाएगा देन उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है एडिशनल सेटिंग में देन आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में जाना है एंड इसके बाद में आपको जाना है दोस्तों एक्सटेंडेड पावर मीनू में जब आप एक्सटेंड कर लेंगे तो आपको जैसे यहाँ पे पावर मीनू में यहाँ पे रीबूट uh, के अंदर में रिकवरी एंड फास्टबूट दोनों आ जाएगा तो ये सारे सेटिंग आपको कर लेने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एज ए डेली ड्राइवर में अगर आप यू बिल्ड वगैरह यूज कर रहे हैं तो एंड हाँ वन मोर थिंग आप अगर साउंड के अंदर में जाते हैं और साउंड असिस्टेंट मोड तो दोस्तों मैं पर्सनली तो इसको इसको यूज नहीं करता हूं लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं साउंड स्टेशन लेकिन मैं ज्यादातर इसको जो सो बंद ही रखता हूँ बेसिकली ये थोड़ा बहुत एनाइंग ही कर देता है कई बार ऐप के अंदर में ये एक दूसरे को इंटरफेयर कर देता है ओके तो दोस्तों अब जो हम यहाँ पे बात करने वाले सोशल मीडिया एंड यूजफुल ऐप्स का तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आपको पेज तो इस तरीके से रखना है काफ़ी यूज़फुल रहता है हालांकि आप यहाँ पे व्हाट्सएप यहाँ भी रख सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजेज होता है तो इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ हालांकि आप जैसे इसको भी सेटअप में ले सकते हो देखो यहाँ पे यूजफुल ऐप्स में जैसे है सेकंड पैनल में इसलिए रखता हूँ क्योंकि जो फर्स्ट पैनल में दोस्तों वो जनरली यूज़ के लिए है और सेकेंड पैनल क्योंकि देखो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अचानक से सडन कोई फोर्स टच हो जाता है कैसे भी करके टच हो जाता है और वो ओपन ना हो जाए इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सेकंड पैनल में रखता हूँ सोशल मीडिया का सबसे पहला मेन जो मेरे हिसाब से है दोस्तों वह यहाँ पे व्हाट्सएप आपको रखना चाहिए अब मैं यहाँ पे वाट्स सभी चीज़ों को जितने मेन जो फिर से यहाँ पे जितने को भी मैं ले सकता हूँ उतने को ही मैं रखता हूँ नीचे वाले पैनल पे ही ठीक है इससे ज़्यादा एक और लाइन बढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाता ठीक है इसके अलावा देखो इंस्टाग्राम टेलीग्राम ये मेरे यूज़ क्या है आप अगर आप कोई अलग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो उस सब भी आप कंसिडरेशन कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सोशल मीडिया ऐप्स को आप फर्स्ट स्क्रीन से ना रख करके सेकेंड वाले पैनल पर रखो वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा इससे आपको होगा क्या क्योंकि कभी भी आप सडन जैसे टच हो गया तो वो जैसे सो वहां पर यहां पर टच होगा आपको उस पर नहीं ठीक है तो इस वजह से आपको जैसे थोड़ा सा मेन आप देख सकते हो सिक्योरिटी प्राइवेसी ले सकते हो हालांकि कई लोग बोल सकते हैं यहाँ कि आपको फिंगरप्रिंट लगा ही रहता है या फिर लॉक करके भी हम रख सकते हैं ऐप को या आई नो दैट बट स्टिल कहीं ना कहीं एक ये चांसेस रहता है कि आपका फिंगर मेन आजकल हमारे फ़ोन पे मैं पॉकेट से जैसे फ़ोन निकालता हूँ तो कई बार ये हमारा फ़ोन जैसे अनलॉकड मिलता है मुझे क्योंकि वहीं पे मैं थम रख करके निकालता हूँ तो वो अपने आप से अनलॉकड हो जाता है तो इस वजह से मेरे हिसाब से मैं जो सोशल मीडिया को सेकेंड पैनल पर रखता हूँ अभी आपको अगर कुछ अलग चेंजेज लाने तो कोई इशू नहीं है आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में एक बार सजेशन दे सकते हो एंड दोस्तों लास्ट नॉट द लीस्ट बट एक पैनल और इंपॉर्टेंट होता है वो होता है दोस्तों बैंकिंग वगैरह का अगर आप बैंकिंग्स यूज करते हैं ऑनलाइन पे तो आपको ये कंसिड्रेशन में रखना चाहिए नहीं तो नहीं भी देखो यहाँ पे काम का बैंकिंग एप जितने भी होते हैं मैं यहाँ पे रख लेता हूँ हालांकि फिल्मिक प्रो जो है सो थो थोड़ा सा डिफरेंट का है बट हाँ स्टिल ये भी यहाँ पे हो गया है कोई इशू नहीं है बट यहाँ पे दोस्तों बैंकिंग ऐप जितने भी है मैं थर्ड पैनल में रखता हूँ इसको आप चेंज कर सकते हो बैंकिंग ऐप्स को रखना ना रखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी मैं आपको फटाफट से कुछ ऐप्स के बारे में बता देता हूँ कैसे कैसे वो क्या यूज़ करता है देखो स्टोरी स्टोरी और स्टेटस वगैरह लगाने के लिए आपको जैसे यहाँ पे कोड्स वगैरह चाहिए तो डायरेक्टली आपको कोड्स मिल जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे कुछ एड्स दिखाते रहते हैं ये हो गया हमारे पास में इसको डायरेक्ट यहाँ पे आप कॉपी कीजिए एंड कहीं भी पेस्ट कर दीजिए एक ये फायदेमंद है दूसरा ये टैग वैग भी काफ़ी अच्छा ऐप्स है दोस्तों इसके अंदर में आपको जैसे डायरेक्टली यहाँ पे टैग मिल जाएंगे जैसे कि आपने कोई भी इमेज लिया यहाँ पे आपको टैग्स और यहाँ पे मिल गया ऊपर और इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पर पे पेस्ट कर सकता हूँ तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद में हो जाता है ठीक है स्नैपचैट तो आपको पता ही है ई फाइल एक्स मुझे फाइल एक्स के मामले में काफ़ी बढ़िया लगता है आप यूज कर सकते हैं फिल्मिंग प्रो दोस्तों वीडियो मामले में काफ़ी मज़ेदार है और आप इसको कंसिड्रेशन में रखना चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ठीक है एक दो ऐप्स और भी है वो मुझे यहाँ पे भी फ़िलहाल के लिए मिल नहीं रहा है वो है हाँ यार ब्लॉग स्टार इसके अंदर में दोस्तों वीडियो एडिट बहुत मजेदार हो जाता है मतलब कि आप जैसे यहाँ पे काफ़ी प्रो लेवल का वीडियो एडिट कर सकते हैं स्मॉल वीडियो डायरेक्टली पोस्ट करने के लिए स्मॉल कंटेंट के लिए तो ये काफ़ी फायदेमंद हो जाता है तो ओवरऑल मुझे ये सेटअप मुझे काफ़ी पसंद आता है एम का एज अ डेली ड्राइवर में क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें यूजफुल मुझे मिल जाता है कैमरे से लेकर के एवरी ठीक है तो ये कंसिड्रेशन में अगर आप रखते हो तो मुझे भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना ओवरऑल मैं यहाँ पे आपको अगर इस रोम के बारे में बता दूँ दोस्तों तो ये रोम जैसे मैं कल से यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी मज़ेदार है और मुझे देखो स्मूथनेस तो मुझे काफ़ी अच्छा ही लगा यहाँ पे बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है आपको मैं बैटरी का दिखाऊँ तो ये रहा हमारे पास में यूजर्स स्टैट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर स्मूथ डाउनग्रेडेशन है कोई ऐसा हार्श डाउन नहीं है कि आपको जिससे बैटरी ट्रेनिंग यहाँ पर मिला हो ठीक है तो मुझे काफ़ी पसंद है ओके और रही बात यहाँ पे कैमरा वगैरह यूजेज का तो मैं दोस्तों कैमरा वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ और आजकल सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ तो ओवरऑल मुझे रोम काफ़ी पसंद है और मैं जरूर से सजेस्ट करूँगा किसी भी लोग को गेमिंग पर्पज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है डेली यूज़ के लिए भी काफ़ी बढ़िया है और एक प्रो लेवल के यूजेज के लिए भी आपको दोस्तों ये रोम जैसे काफ़ी मज़ेदार मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है अगर आपको मैं गीक बेंच का स्कोर दिखाऊँ तो दोस्तों ये स्कोर भी काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगा सिंगल कोर का सेवन फोर टू मल्टी कोर का आपको टू फाइव फोर एट मिल जाता है तो आप इसको कंसिड्रेशन में रख सकते हैं यूज करने के लिए होगे तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो को पसंद आएगा वीडियो कर दीजिए लाइक सर कमेंट जी हाँ और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों मेरे चैनल को लिए सब्सक्राइब मेरे जन आपके सेशन नए नए वीडियो लेकर आता हूँ तो दोस्तों मेरे साथ बनाया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वन मातरम